हेलो 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 फ्रेंड्स केम छो जय श्री कृष्णा आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा मजे में होंगे बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ तो थैंक यू सो मच अच्छा लगा मुझे कि सब लोग इतना ज्यादा पूछते हैं मेरे लिए तो सोनू बीच में आवाज कर रहा है सोनू को गर्मी लग रही है ना तो अभी मस्त अंदर आकर यहाँ टेबल के ऊपर सो जाता है और ये देखिए कुछ दिनों पहले मैंने ये बैग बनाई थी अभी यहाँ देख के तो मुझे मन करा दिखा देती हूँ क्योंकि बैग तो मेरी फेवरेट है और वो मुझे दिखाने में बहुत अच्छा लगता है ये इसका इस तरीके से बॉटम है फोल्ड करके रखी थी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है ये है ना मैंने एक कुर्ती की स्लीव से बनाई थी मेरे पड़ोसी ने कपड़ा दिया था उसे मुझे देनी है लेकिन कब की बन गई अभी तक नहीं दे पाई हूँ और आज मैं कितने दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ आज है ना मैं टॉप थ्री वर्ल्ड का एक वीडियो बना रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ वैसवी का फ्रॉक तो उसके लिए मैं कितने दिनों से कपड़ा लेकर आई थी मस्त सा चिकन वर्क का वाला फैब्रिक है चिकन बोल सकते हैं? पता नहीं। लेकिन ये वर्क है, है। ये ना मैंने वन ट्वेंटी रुपीज पर मीटर मांडवी लक्ष्मी जो सोफे जहां से मैं लेती हूँ कपड़े वहीं से लिया था काफी दिन हो गए अभी वैसे बहुत छोटी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था ये तक भी लेकर आई थी मुझे वो क्या बोलते हैं वो सॉफ्ट वाला अस्तर चाहिए था लेकिन फिर मैंने कॉटन का ही ले लिया और मुझे था कि मैं सिलूंगी लेकिन रह गया था और फिर विंटर भी आ गया था ना तो तो अभी नहीं पहन सकती थी वैसे तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका आज फ्रॉक बनाते हैं मैंने ना कुछ स्क्रीन लिए हुए तो मैं भी आपको दिखाती हूँ तो जो स्क्रीन लिए हैं वो मैं यहाँ पर पिक्चर डाल देती हूँ आप लोग देखना ये है ना बहुत ज्यादा कॉस्टली थे तो मुझे लगा कि मैं खुद बनाती हूँ ऑलरेडी कपड़ा तो मेरे पास था ही तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप इस तरीके से आइडिया ले सकते हैं ऑनलाइन कपड़े जो मिलते हैं वहां से महंगे महंगे फिर आप खुद बना सकते हैं अब देखिए ये मैंने फैब्रिक लिया है लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का कोई दुपट्टा है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं ये देखिए बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है वाइट कलर का मेरे पास तो अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका यूज भी कर सकते हैं और इस तरीके के दुपट्टे हैं कोई आपके पास तो उसका यूज भी आप कर सकते हैं तो मैं बाद में तो ये दोनों दुपट्टे का यूज करने वाली हूँ वैसवी के कुछ नए कपड़े बनाने के लिए लेकिन फिलहाल आज मैं इस कपड़े का यूज करूंगी और ये व्हाइट दुपट्टे सेम इसी तरीके के आते हैं हा ना कुछ फर्क नहीं लग रहा है इसमें तो तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे अस्तर का फैब्रिक डबल है और इसके ऊपर मैंने एक वैसेफी का फ़्रॉक रखा है और इस तरीके से फोल्ड करके मैं फ्रॉक के हिसाब से जितना अस्तर चाहिए उतना मैंने फ़ोल्ड करके रखा है अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं मेज़रमेंट लिया है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक साइड पर रखेंगे और फिर इस फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे और अलग करने से पहले मैंने कटिंग कर ली ले है लेकिन आप अलग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा अब देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है जो फ्रॉक है उससे मैंने टू इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है दोनों साइड से अब इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ तो बहुत ही आसान है इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है और बस इसे हम कट कर देंगे नीचे से भी मैं इसे एकदम इक्वल कर लूँगी तो ये कटिंग हो चुकी है हमारी अब देखिए ये जो गला है उसकी जो लंबाई है वो टू इंच है तो मैं गले के लिए टू इंच पर लंबाई मार्क करूंगी और फिर वहाँ पर हमने गले के लिए ऑलरेडी मार्क किया था तो वहाँ तक हमें कर्व शेप देना है लेकिन मैं सिलाई के लिए जगह छोड़ते हुए थोड़ा सा गला अंदर की तरफ रखूंगी और बैक नेक की लंबाई हम वन इंच रखेंगे और फिर उसे भी इसी तरीके से मार्क कर लेंगे अब पहले हम बैक नेक को कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हमें एक पीस अंदर से निकाल देना है और फिर से हम इसे फोल्ड करके जो फ्रंट नेक की हमने मार्किंग करी थी वो भी हम कट कर लेंगे तो ये देखिए अब मैंने यहां पर फ्रंट और बैक लिख दिया है ताकि कोई गलती ना हो अब हमें फ्रंट का हिस्सा लेना है और उसे इस तरीके से बीच से हम कट कर देंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया अब मेन फैब्रिक से मैंने दो हिस्से कट कर लिए हैं बैक साइड का कपड़ा रखकर थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही कट किया है तो ये के हो गया बैक के लिए और ये एक है फ्रंट के लिए अब इसे हम बीच से कट करके दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे और फिर देखिए राइट साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है टू इंच की चौड़ाई है इसकी लंबाई हमें कपड़े की लंबाई जितनी रखनी है अब इसको हम फोल्ड करके कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर का कपड़ा रखना है और इसकी जो गले की साइड है वो यहाँ पर रखनी है अब यहाँ से हम सीधी सिलाई करेंगे उसके बाद देखिए जो ओ स्लीव्स वाला हिस्सा था वहाँ से भी हम सिलाई कर लेंगे अब इसे राइट साइड पर इस तरीके से हमें टर्न कर लेना है तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अब हम इसे अच्छे से यहाँ पर और इसके जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर भी सभी जगह पर सिलाई कर लेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे हम कट करके निकाल देंगे तो इसके बाद हम लेंगे दूसरा हिस्सा और उसे भी हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे सिलाई करके दोनों साइड और फिर इसे भी हम सीधा कर लेंगे दो साइड अटैच करेंगे ऊपर नीचे खुला रखेंगे फिर इसे हम सीधा कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे और ऊपर भी सिलाई करेंगे तो ये प्रेस स्टिच हो जाएगी अब देखिए इस तरीके से हम इन दोनों कपड़ों को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और ऊपर मैं एक पिन लगा रही हूँ अब आती है बैक हिस्से की बारे तो उसे भी मैं इसी तरीके से दोनों स्लीव्स वाले हिस्से को सिलाई कर लूँगी और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूँगी और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं जो शेप होता है वहाँ पर कट लगाएंगे तो ये सीधा होने में आसान रहता है अब यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर लूँगी पूरे में तो दोनों साइड प्रेस्टिज भी हो जाएगी और बाकी सारा फैब्रिक पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके दोनों फैब्रिक को मतलब दोनों हिस्सों को ऊपर नीचे हम रखेंगे राइट साइड बाहर की तरफ रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना है साइड साइड से ही हम सिलाई कर लेंगे फिर इसे इस तरीके से हम उल्टा करेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से कवर सिलाई कर ली है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से अब मैंने फ्रॉक लिया है और मैं देख रही हूँ कि गला सही से है कि नहीं मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो अब मैं यहाँ पर मुझे छोटा लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा सा हाफ इंच जितना कट करके निकाल रही हूँ ताकि गला अच्छे से बड़ा हो जाए तो दोनों साइड से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है अब ये सही लग रहा है अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे जो इसका बचा हुआ फैब्रिक था वहाँ से मैं स्ट्रिप कट कर रही हूँ मैंने क्रॉस स्ट्रिप कट करी है गले में हम यहाँ पर ऊपर की साइड फिनिश करेंगे तो छोटी सी स्ट्रिप तो मैंने जॉइंट लगा लिया है अब इस तरीके से हम यहाँ पर रॉन्ग साइड पर इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे ये पूरा राउंड शेप है गले का तो हमें क्रॉस पट्टी ही चाहिए तो देखिए इस तरीके से मैंने क्रॉस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर लिया है अब पूरे में हम कट लगा लेंगे इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं उसके बाद इसे हमें सेकंड साइड पर टर्न करना है और फिर देखिए इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करेंगे जब स्ट्रिप अटैच करना स्टार्ट करी तब भी मैंने इसे थोड़ा सा फोल्ड करके किया था और एंड पर भी इसी तरीके से तो ये देखिए रेडी हो चुका है अब हम घेरे का फैब्रिक लेंगे तो उसके लिए मैंने नीचे जो वर्क वाला हिस्सा था वो फैब्रिक लिया है पूरा और इसकी जो लंबाई है वो मैंने जो रेडी फ्रॉक था उससे समथिंग सिक्स इंच जितने एक्स्ट्रा ली है क्योंकि अभी वैसे भी बड़ी हो रही है तो मुझे थोड़ा बड़ा बनाना था और इसकी लंबाई भी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है तो अगर आप बड़ी साइज़ बना रहे हैं तो आपको जितना बड़ा चाहिए उतने हिसाब से आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं एक्स्ट्रा कर सकते हैं अब देखिए दो हिस्से मैंने कट करके इसके बना लिए अब इसे हम इस तरीके से प्लेट लेते हुए जो ऊपर का हमने टॉप हिस्सा बनाया उसके साथ अटैच करेंगे एक साइड कर लिया अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम प्लेट लेते हुए अटैच कर लेंगे तो ये दोनों साइड हो गया अब इस तरीके से हम रखेंगे ऊपर नीचे इससे और यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक दोनों साइड सिलाई कर लेंगे तो ये मैंने सिलाई भी कर ली है अब ये इसे हम सीधा करते हैं गाइस so ये फ्रॉक तो रेडी हो चुका है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे डेकोरेट करना चाहती थी तो मैंने कोई भी आप बटन ले सकते हैं जो भी आपके पास वेस्ट पड़े हैं वो वो बटन लिए हैं और फिर इसके ऊपर पिंक कलर का फैब्रिक इस तरीके से लगाया छोटे छोटे स्क्वायर पीस मैंने ले लिए थे अब इस तरीके से बटन को रखकर हम धागे की हेल्प से बटन को इस तरीके से पूरा कवर कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा थ्रेड हमें लपेट लेना है और थोड़े से टाँके लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे हम कट करके निकाल देंगे तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा ये बटन हमारे पास रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने बटन अटैच कर लिए हैं ऊपर और फिर यहाँ पर नीचे की साइड में गाज कर लूँगी या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर पूरा बटन अटैच कर ले और फिर नीचे हुक करना चाहते हैं तो हुक भी कर सकते हैं So सो फाइनली गाइस फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है मैंने यहाँ पर नीचे अस्तर अटैच नहीं किया क्योंकि अभी मुझे समर में ही पहनाना है तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा तो गर्मी लगेगी ये सोचकर आप चाहे तो कर सकते हैं और मैंने सिंपली यहाँ पर पिंक बटन अटैच करे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना और आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं और अभी भी मेरे पास एक मीटर कपड़ा था उसमें से इतना कपड़ा बचा हुआ है मैं शायद कुछ और बनाऊंगी लेकिन कब वो नहीं पता है और आप सब लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही तो देखिए घर परिवार वैसवी और मेरे तीन चैनल हैं तो इन सबको इतना आसानी से मैनेज करना इजी नहीं होता है घर में सब लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इसीलिए मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ लेकिन अभी रमीला मासी भी बीमार हो गए हैं तो वो भी नहीं आ रहे तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था तो मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग नहीं करती हूँ और सबसे ज्यादा सपोर्ट तो चेतन ही करते हैं तो ये सब कुछ हो पाता है तो बस यही रीजन था कि मैं ये अभी ब्लॉग नहीं कर रही हूँ लेकिन अभी मैं नेचुरल लाइफ में और टॉप थ्री वर्ल्ड में रेगुलर वीडियो डालना चाहती हूँ सो so, आप लोग वहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटिव वीडियो मैं बना रही हूँ सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अभी मैं प्रोप के फोटो वाईसवी के साथ यहाँ पर डाल दूंगी तो आप लोग देख लेना आपको अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं अच्छे से एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत